चंद्रयान 3 का बढ़ता हुआ एक एक कदम ऐतिहासिक बनता जा रहा है। चंद्रयान 3 रोज नित नए कीर्तिमान रचता जा रहा है। चंद्रयान 3 से जो संभावनाएं इसरो के वैज्ञानिकों ने लगा रखी है, वह उसे स्टेप बाय स्टेप खरा उतरता जा रहा है। चाहे चंद्रयान के ऑर्बिटल में प्रवेश करना हो या जिस चंद्रयान 3 अपने हर स्टेप की जानकारी इसरो के वैज्ञानिक विदेशी वैज्ञानिकों की नज़रें गड़ी हुई हैं। रूस, चाइना, अमेरिका चंद्रयान 3 के बढ़ते कदम को रोमांचित करता जा रहा है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव में होनी है, जहां पर अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है। वहां से फुटेज और साक्ष चंद्रयान 3 के द्वारा भेजे गए हैं। वो रहस्यमय है। इसरो के वैज्ञानिकों की जिज्ञासा व तमाम देशों की जिज्ञासाओं आईना दिखाता प्रतीत होता है। लेकिन चंद्रमा की सबसे बड़ी और सबसे जटिल घड़ी सॉफ्ट लैंडिंग है। इसरो के वैज्ञानिक अब तक कंट्रोल कर पा रहे हैं, अब तक उसे कमांड दे पा रहे हैं। जिस गति से चंद्रयान 3 बढ़ रहा है, चंद्रयान को चंद्रमा की सतह पर उतरने का मात्र 2 दिन का समय है। शेष है प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होते ही लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक यू से संबोधित किया, तो इसरो के वैज्ञानिकों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद को जिस हिस्से को चुना है, वहां पर विश्व की सर्वशक्तिमान शक्तियां हिम्मत नहीं जुटा पाईं। भारत के वैज्ञानिकों ने उस हिस्से को चुनकर लैंड करने की कोशिश की है, उससे पूरा विश्व सराहना कर रहा है। चांद में अब तक साउथ पोल, अब तक जो हाई कैमरा द्वारा जो फुटेज भेजी गई है, पूरे विश्व को अचंभित कर रहा है। जिस सतह पर लैंडर उतरेगा वह खुद एक मिसाल होगा, तथा चांद की सतह पर लैंडर सारनाथ स्तंभ से लिया गया अशोक स्तंभ का चिन्ह और इसरो की छाप की सतह पर छापता हुआ आगे बढ़ेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद शुरू होगी मिशन मंगल यात्रा, जहां पर जाने के लिए ईंधन और समय दोनों की बचत होगी। भारत के वैज्ञानिकों ने अपने कौशल से लोगों को आकर्षित तो किया, साथ ही मिशन मंगल और अन्य ग्रहों के रास्ता खोल देंगे। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से इसरो ने कहा कि हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाले इस घटनाक्रम का सीधा प्रसारण 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 5:37 बजे शुरू किया जाएगा। इसरो के वेबसाइट, इसके यूट्यूब चैनल, इसरो के फेसबुक पेज के साथ ही दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर भी प्रसारण होगा। मिली जानकारी के अनुसार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले पहुंचने का रूस का सपना चकनाचूर हो गया। 47 साल बाद रूस का पहला चंद्र मिशन था लूना 25। कक्षा बदलते समय तकनीकी खामी के बाद टूट गया था संपर्क। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले पहुंचने का रूस का सपना चकनाचूर हो गया। 47 साल बाद लॉन्च किया गया उसका चंद्रमा मिशन लूना 25 नाकाम हो गया है। इससे पहले पूर्व सोवियत संघ के दौरान 1976 में लूना 24 लॉन्च किया गया था। लूना 25 की लॉन्चिंग को यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिम की ओर से लगे प्रतिबंध के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा था। चंद्रमा का ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण और उनके द्वारा पेश की जाने वाली कठिनाइयां के कारण बहुत अलग भूभाग है और इसलिए अभी अज्ञात बने हुए हैं। चंद्रमा पर
पहुंचने वाले पिछले सभी अंतरिक्षयान भूमध्य रेखा क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश उतरे थे। देश की धरती से उड़ान भरकर चांद तक का सफर तय करने वाले चंद्रयान 3 की खासियत भी देखने लायक है। लंबाई की बात करें तो चंद्रयान 3 4.3x5 मीटर लंबा है। इसका वजन 640 टन है। चंद्रयान 3 स्पेस लैंडर का वजन 1.7 टन, प्रोपल्शन का वजन 2.2 टन और लैंडर के अंदर मौजूद रोवर का वजन 26 किलो है। भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 ने बृहस्पतिवार को तब एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जब इसका लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक प्रणोदन मॉड्यूल से अलग हो गया और अब पूरे देश को 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इसकी निर्धारित सॉफ्ट लैंडिंग की प्रतीक्षा है। लैंडर मॉड्यूल में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल हैं, जो अब एक ऐसी कक्षा में उतरने के लिए तैयार हैं जिससे यह चंद्रमा की सतह के और करीब आ जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोशल मीडिया पर मंच एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा, लैंडर मॉड्यूल ने कहा कि यात्रा के लिए धन्यवाद दोस्त। लैंडर मॉड्यूल प्रणोदन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। कल गुजरते हुए चंद्रमा की कक्षा में थोड़ा और नीचे आने की उम्मीद है। अनुमानित तौर पर 600 करोड़ रुपए की लागत वाले चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को चांद के दक्षिणी ध्रुव तक की 41 दिन की जटिल यात्रा पर रवाना किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार इसरो के अधिकारी ने बताया कि प्रणोदन मॉड्यूल से अलग हुए लैंडर को एक ऐसी कक्षा में लाने के लिए डिब्यूस्ट गत करने की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा, जहां पेरिल्यून चंद्रमा से कक्षा का निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और अपोल्यून चंद्रमा से दूर का बिंदु 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जहां से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी कहा है कि प्रणोदन मॉड्यूल वर्तमान कक्षा में अपनी यात्रा महीनों वर्षों तक जारी रखेगा। चंद्रयान 1 के परियोजना निदेशक एम अन्नादुराई ने पीटीआई भाषा से कहा, मैच वास्तव में अब शुरू होता है, ये अंतिम ओवर है जिनके बारे हम बात कर रहे हैं। चंद्रयान 3 से